हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दास आर्ट सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, मैं आपको फ्लेक्सी साइन सॉफ्टवेयर पर मैं बताने वाला हूँ कि जब मशीन रेडियम को कट करती है तो बॉर्डर चारों तरफ से नहीं दे पाती है। तो इसका कारण यह है कि आपके कंप्यूटर के सेटिंग में जो फ्लेक्सी सॉफ्टवेयर आता है उस सेटिंग कुछ करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको कंप्यूटर पर दिखाता हूँ कि वो सेटिंग करने के बाद बॉर्डर का ऑप्शन कैसे आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हम आ गए हैं फ्लेक्सी ऐप पे, सॉफ्टवेयर पे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा जब आप ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप कुछ फॉन्ट टाइप करेंगे, कुछ भी। तो मैं फॉन्ट टाइप कर दे रहा हूँ। मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। और हम क्या करेंगे, इसको कुछ साइज दे देंगे। तो चलिए हम साइज भी दे देते हैं। साइज दे दिए और इसके बाद हम यहाँ पे कट वाला जो ऑप्शन है, कट प्लॉटर, इसी पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देख के सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे अब बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ऑप्शन खुल चुका है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन का साइन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हम विड बॉर्डर, तो मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिक कर रखा है। अगर इस पर ऑन क्लिक होगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे नीचे कर दीजिएगा डन। अब जैसे ही आप प्लॉटर मशीन पे इस स्टिकर को कट कीजिएगा तो ऑलरेडी आपका बॉर्डर आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। फ्लेक्सी मशीन के संबंधित वीडियो आप इस चैनल पर आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।